विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में दो दिवसीय छिंज मेला बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। इस मेले के समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रणधीर शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर इस छिंज मेले में पंजाब के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जस्सा पट्टी ने सूखा बल्लेहारी को हराकर खिताब पर कब्जा किया। इस छिंज मेले में जहां हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने भाग लिया, वहीं पर 11 लाख की राशि इनाम स्वरूप पहलवानों को दी गई। मेले में कुश्ती प्रतियोगिता रात तक चली और फ्लड लाइट में भी नैना देवी मंदिर के भव्य स्टेडियम में इन कुश्तियों का हजारों लोगों ने आनंद उठाया। नेपाली मूल के पहलवानों की फुर्ती भरी कुश्ती इस दंगल का मुख्य आकर्षण रही। पंजाब की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश में भी छिंज मेलों में युवाओं का काफी क्रेज देखने को मिलता है। काफी संख्या में युवक युवतियां इन खेलों में भाग लेते हैं, प्रतियोगिता का आनंद उठाते हैं। इन छिंज मेलों का मुख्य उद्देश्य शहर में सुख शांति बनी रहे और युवा नशे से दूर रहें, इसी को लेकर इन मेलों का आयोजन किया जाता है। इस बार इस छिंज मेले में जहां पर गर्मा गर्म जलेबियां और पकौड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे, वहीं पर श्री नैना देवी का विशाल दंगल सुख शांति से सम्पन्न हुआ। पिछले महीने भारत किश्ता खिताब जितया पालमपुर की धरती तो पंजाब कुमार भी रहा हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਸੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਰੁਸਤਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ